वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो ये वीडियो है ये है सेकंड पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। इससे पहले जो इसका पहले पार्ट वन वीडियो है उसको जरूर देख लिए इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें हमें शुरू करना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसमें कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका वर्क क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मेनली शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कैसे बनती है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, कहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ये सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे क्रैब साइकिल होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, कोई कहीं पे ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस उन सबसे क्या बनता है, एनएडीएच कहीं बना, एफएडीएच बन गया, एफएडीएच2। हमने जब ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल में ये पढ़ा था कि एनएडीएच बन गया, एफएडीएच2 बन गया, और बोला था कि वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता, तो वो यहां से कैसे जाता है उसी को देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रखा है, ये देखते पहचान लिया होगा क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनके इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है हमने इसे कहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कैसे आएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो स्टार्ट होती है वो होती है एनएडीएच इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है ये एल शेप्ड कॉम्प्लेक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन होते होते पहुंचेंगे कोएंजाइम क्यू के पास जो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कोएंजाइम क्यू जो क्यू है वो है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। साथ ही इसके साथ कुछ ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से चार प्रोटोन इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ प्रोटोन साथ में, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है नंबर छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखो प्रोटोन्स कुछ प्रोटोन्स यहां पहुंच गए एनएडीएच से, कुछ प्रोटोन इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया कोएंजाइम क्यू ने और कुछ प्रोटोन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच गए। उसके बाद सिमिलरली सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जब हमने पढ़ा था क्रैब साइकिल तो वहां क्या हो रहा था, सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बन रहा था, उस सक्सिनेट से फ्यूमिनेट बनने के दौरान एफएडीएच प्रोड्यूस हुआ था। ये एफएडीएच प्रेजेंट होता है एफएडीएच2 इसमें कॉम्प्लेक्स सेकेंड में, यह क्रैब साइकिल का पार्ट है, ठीक है। वीडियो नहीं देगी तो लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए वीडियो। FADH इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, देता है, ये एक वर्ड लिखा है मैंने FES, FE का मतलब होता है आयरन और S का सल्फर, बहुत सिंपल है। तो आयरन सल्फर एक कंपाउंड है यहां पे, इस आयरन सल्फर के पास जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली अगेन कोएंजाइम क्यू के पास, अब ये यूबिक्विनोन जो है फिर से कुछ प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन से इकट्ठा करता है और ये अपने एक रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाता है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जुड़ने के बाद में, Q प्लस टू प्रोटोन, सॉरी प्रोटोन जुड़ते हैं इसमें, दो प्रोटोन के साथ एक रिड्यूस्ड फॉर्म में चला गया। अब जो इसके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसने इकट्ठा किए थे, जमा किए थे, एक्सेप्ट किए थे, वो इनको ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसमें कुछ कंपाउंड प्रेजेंट है, पहला है साइटोक्रोम C1, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, फिर जाएगा आयरन सल्फर कंपाउंड के पास, फिर इसके पास जाएगा, यहां से जाएगा साइटोक्रोम बी में, और फिर सिंपली ट्रांसफर हो जाएगा साइटोक्रोम सी के पास में। इस प्रोसेस में भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन पंप प्रोटॉन पंप बनता है कि कुछ प्रोटॉन इस मैट्रिक्स से यहां पहुंच जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो पार्ट है ये वाला, ये मैट्रिक्स है, मैंने यहां पर लेयर बना दी और ये मैट्रिक्स है, ये सारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से कुछ इलेक्ट्रॉन फिर यहां पहुंच गए। अब इसके बाद में यहां ग्रेडियंट बढ़ने लगा, धीरे धीरे प्रोटॉन पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। साइटोक्रोम सी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांस
ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स फोर के पास में। मैंने कॉम्प्लेक्स फोर का नाम बताया था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। इसका काम ही ये है कि ये साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज कर देता है भाई, उससे इलेक्ट्रॉन पहुंचे। सबसे पहले इसमें कुछ कंपाउंड है कॉपर, ये है एट आई, साइटोक्रोम ए के पास फिर जाएंगे, फिर कॉपर ये बी टाइप इसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम ए थ्री के पास जाएंगे और ये साइटोक्रोम ए थ्री इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन के पास में। अब यहां आती है मेन बात, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बचपन से एक सवाल सुना होगा कि ऑक्सीजन लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, वो कैसे रहते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं, सेल्स में जाती है, सेल्स में वो यहां यूटिलाइज होती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं या यहां से आते हैं, सॉरी बनते नहीं है, यहां से आते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का काम करती है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगी तो प्रोटॉन इधर नहीं जाएंगे और जो है एटीपी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी और फाइनली डेथ हो जाती है। यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑक्सीजन। इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब इसके पास हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन आ गए, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर कुछ प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से मैट्रिक्स में कुछ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने ही प्रोटॉन आएंगे। मैंने कहा दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो प्रोटॉन आ गए। अब ऑक्सीजन है और प्रोटॉन है तो कुल मिला के ये क्या बना देता है? H2O। प्रोटॉन हम हाइड्रोजन को ही तो कहते हैं, H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं, तो H2O यानी कि इसने क्या बना दिया? वाटर। अब इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्सेप्ट हो गए, यहां से लेके यहां तक का ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, वाटर बना दिया, इलेक्ट्रॉन का काम खत्म है। अब बारी आती है प्रोटॉन की। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां बढ़ता जा रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, कहां? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यह है मैट्रिक्स, जो खाली मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला पार्ट, यहां जो है ज्यादा हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है यहां पर, क्योंकि सारा प्रोटॉन उधर चले जा रहे हैं। जब यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सिर्फ वन वे, मान लो यहां से कुछ और प्रोटॉन इधर जाते हैं, ठीक है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सिर्फ इनका एक डायरेक्शनल है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल है। इधर से प्रोटॉन को इधर भेज तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं बुला सकते, इनको वापसी का सिर्फ एक रास्ता है, वो है ये। और ये जो कंपाउंड है यहां पर, ये है एटीपी सिंथेस, एक एंजाइम एटीपी सिंथेस। अब इसकी वर्किंग कैसे है? कभी टेबल फैन, खाली बंद रखा हुआ टेबल फैन, उसको हवा आती है अगर तो वो घूमने लगता है हवा से अपने आप, अगर वो बंद रखा हुआ है, ठीक है, तो सेम कुछ इसका भी ऐसा ही वर्क है। अगर उसको हम तेज घुमाएंगे, विंड मिल देखा है, विंड मिल पे जब हवा आके लगती है तो वो घूमता, घूमने से क्या बनती है? एनर्जी, तो वो एयर फ्लो को यूज करता है। यहां पर ये एटीपी सिंथेस इस प्रोटॉन फ्लो को यूज करता है, जब इधर ग्रेडियंट बढ़ता है और एक ही रास्ता है वापस आने का, तो ये सब भागते हैं इधर और जैसे ही नीचे आते हैं तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। यहां प्रेजेंट होता है एडीपी प्लस PO3 फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है साथ में। इस एडीपी के साथ सिंपली फॉस्फेट मिलता है और एडीपी बन जाता है। ये था एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन सिर्फ इतना नहीं है, ये सिर्फ समझाने वाली बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता दो कि हाँ वीडियो चाहिए, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी नजर आई है या कुछ ऐसा लगा है जो मैंने भूल गया तो उसके लिए माफी, और आप भी बता सकते हैं कि इसमें कुछ अगर रह गया है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा लेकिन जब हमने इसको पढ़ा था तो बहुत आसान सी चीज है। इधर से इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो होते हैं, इधर पहुंच जाते हैं, यहाँ एटीपी बन जाता है। इतने पार्ट को, इस वीडियो का इतना पार्ट जो है इतना, यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसके जो इधर का पार्ट है ये है केमियोस्मोसिस और द एटीपी सिंथेसिस। इसके एक अलग टॉपिक है, अगर चाहते हो इसके बारे में वीडियो तो मैं बना दूंगा, कमेंट में बता दीजिए।